25 स्टूडेंट्स, मई आ गया है 2024 का। ऐसा लगता है थोड़े दिन पहले ही अपन ने 11th शुरू की थी और अब तो अपन 12th के भी मिड में आ गए। तो ये एक रोड मैप रहेगा कैसे कि आपको आगे चलना है और कैसे एक बच्चा जो IIT पहुंचेगा इवेंचुअली उसका आगे का रास्ता कैसे दिखेगा, आज हम ये डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको JEE के लिए फ्री नोट्स चाहिए ओके, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके सेकंड लिंक दिया है मेरी ऐप का, उस पर जाएंगे, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे पूरे JEE के फुल सिलेबस के तीनों सब्जेक्ट के, ठीक है। तो अब आपसे कोई पैसे वैसे मैं मांग नहीं रहा हूँ, आपको लिटरली रैंक 1 के नोट्स अगर मिल रहे हैं तो आपको लेने चाहिए, वो जाके आप डिस्क्रिप्शन में ले लीजिएगा। अब बात करते हैं कि JEE 25, तो देखिए जो बच्चा JEE एडवांस्ड क्रैक सच में करेगा उसका अपन बैकवर्ड्स चलते हैं। तो देखिए वो बच्चा ऑफकोर्स जनवरी अटेम्प्ट में ही अच्छा कर लेगा, अप्रैल अटेम्प्ट की उसको इतनी चिंता नहीं रहेगी, राइट, ये एक ऑब्वियस ही बात है। तो लगभग आपका जनवरी अटेम्प्ट जनवरी के एंड में होता है, तो हम ये चाहेंगे कि जनवरी का पूरा मंथ आप केवल JEE मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट पर ध्यान देंगे ओके। और दिसंबर वाला जो मंथ है उसमें आप कहीं ना कहीं अपना रिविजन एडवांस लेवल पर भी करेंगे और आप फर्स्ट जो जनवरी अटेम्प्ट है उसकी भी प्रिपरेशन आप करेंगे। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि नवंबर एंड तक अपना पूरा 12th क्लास का सिलेबस फिनिश हो जाए, ठीक है। तो आपको प्लानिंग इस तरह से करनी है, देखिए अभी मई जस्ट शुरू हुआ है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर आपके पास 7 महीने हैं, ठीक है, 7, तो 7 मंथ्स आपके पास हैं। और इस 7 मंथ्स के अंदर आपको अपनी पूरी प्लानिंग करनी है कि हमारा 11th भी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो भी पूरे हम कर लें और 12th के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो भी हम कर लें। अब 12th में तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ आपके टीचर्स, आप जहाँ पे भी पढ़ते हो या अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो आपका कुछ रूटीन होगा, राइट। सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा आसान है क्योंकि आप स्टार्टिंग से जहाँ पे आप 11th में लैकिंग हो वहीं से शुरू कर सकते हो, लेकिन जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं, एक तो मुझे कमेंट से बता दीजिए आप सेल्फ स्टडी करते हैं या कोचिंग करते तो कहाँ से करते, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो आपके आपकी कोचिंग में 12th तो कवर हो जाएगी, अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, आई थिंक वो आप मैनेज कर लोगे, मेन आपका काम है 11th को मैनेज करना। तो अगेन इट्स नॉट दैट हार्ड, 11th रिलेटिवली 12th से इजी, और अब आप बड़े भी हो गए तो आपको जल्दी समझ में आएगा, इतना डरने की बात नहीं है। बैकलॉग्स आर मोर अबाउट बीइंग अफ्रेड ऑफ द बैकलॉग देन एक्चुअली क्लियरिंग इट, राइट। तो आप वीकेंड्स पर या जब भी आपको दिन में एक आध घंटा निकाल के आप बैकलॉग्स पे वर्क करिए, अभी आपको ब्रेक्स भी मिलेंगे बहुत सारे, दिवाली ब्रेक, समर ब्रेक, तो उस ब्रेक में आप अपनी प्रिपरेशन जो 11th की बैकलॉग्स हैं वो आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं ओके। तो नवंबर तक मुझे लगता है काफी रियलिस्टिक टाइमलाइन है अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। इवन जिन बच्चों का 11th आप कहते हो वेस्ट भी हो गया उनके लिए भी आई थिंक नवंबर तक करना काफी पॉसिबल है, एंड आई एम श्योर आप करोगे, ठीक है। अपने आपको बस याद दिलाना है कि हम कर सकते हैं, 7 मंथ्स इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओके। तो आपने नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया, दिसंबर मैंने आपको बताया आपका थोड़ा बहुत एडवांस का या बच्चा सिलेबस भी आप करेंगे और मेंस जनवरी का भी रिविजन आप करेंगे, और जो आपका जनवरी है वो पूरा आपका JEE मेन जनवरी को डेडिकेटेड रहेगा जिसमें आपके मॉक टेस्ट हो गए, फाइनल रिवीजन हो गया, फिर होपफुली आप जनवरी अटेंड में ही 99% 99.9 ऐसा लेके आएंगे, जो मुझे श्योर है आप लेके बिल्कुल आएंगे ओके। स्पेशली आप सब्सक्राइबर हैं और सारी वीडियो सुन रहे हो तो डेफिनेटली लेके आएंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता आप सारी बातें सुन रहे हो फॉलो करो आपके नहीं आए, ठीक है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक एकदम IIT जाने की बातें आपको मिलेंगी ओके। फिर आपका जो फरवरी रहेगा, मार्च रहेगा, वो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम्स में थोड़ा सा व्यस्त जाएगा, तो यहाँ पे आपको एडवांस्ड प्लस बोर्ड्स दोनों को साथ में लेके चलना रहेगा क्योंकि तब आपके बोर्ड्स भी चालू हो जाएंगे। फिर आपका अप्रैल के मंथ में आपका अप्रैल अटेम्प्ट आएगा, उस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा एडवांस पर ध्यान देंगे, और मई का महीना पूरा अपना JEE एडवांस के लिए अपन को लगभग एक महीना पूरा मिलता है जो अपना JEE एडवांस को डेडिकेटेड रहेगा। तो आप देख लीजिए जनवरी से लेके मई तक आप पूरी तरह से पैक रहेंगे 2025 में, जो अभी 2024 वाले स्टूडेंट्स के साथ हो रहे हैं, तो यू कैन नॉट अफोर्ड कि तब तक आपकी कोई बैकलॉग रहे या कुछ छूटा हुआ है। तो इसीलिए आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि 2024 में ही अपना सिलेबस रैप अप हो जाए और उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। 7 मंथ्स का ही आप बनाएंगे प्लानर, उसमें आप लिखो कि 7 अगर अपने पास मंथ्स हैं उसमें इतने टॉपिक्स अपनी कोचिंग वाले कवर करा रहे हैं, उसको अपन रेगुलर पढ़ेंगे, बिल्कुल मेहनत ज्यादा करेंगे, आवर्स ज्यादा पुट इन करेंगे और टाइम टू टाइम कवर करेंगे, और बाकी हमको कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं, लेट्स से आपके 35 चैप्टर्स बचे हुए हैं और आपके पास 7 मंथ्स हैं, ठीक है, 11th के चैप्टर्स 35 है जो आपको नहीं आते और 12th के कुछ चैप्टर्स छूटे, 35 चैप्टर्स की हमको बैकलॉग लेट्स से क्लियर करनी है। तो यानी एक महीने में हमको 5 चैप्टर की लगभग क्लियर करनी है, लगभग पर वीक अपन को एक चैप्टर क्लियर करना है। तो एक वीक में एक चैप्टर क्लियर करना आई डोंट थिंक बहुत हार्ड का टास्क है। आप अगर 6 दिन एक एक घंटा निकालते हो और 7 दिन संडे के दिन 6 घंटे और निकालते हो तो 12 घंटे पर चैप्टर आपको मिल रहे हैं, आई थिंक 12 घंटे में काफी कुछ कवर किया जा सकता है। तो ये आप ऐसे प्लानिंग बना के चलोगे ना पेपर में लिख के तो आप कर लोगे, कोई टेंशन नहीं आएगी आपको, और आप ऐसे रैंडमली चलोगे कि अच्छा आज ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया तो आपको दिक्कत आएगी। कभी भी आपको बड़ा टोटल चेस करना होता है
तो आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो कि इस ओवर में इतने रन बनाने हैं, इस ओवर में इतना ये हमको करना है, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी प्लान बनाना होगा कि यार मई में इतना कवरेज करना है, तो जून में इतना कवरेज करना है, जुलाई में इतना कवरेज करना है, समर ब्रेक आ गया डबल कवरेज करना है, दिवाली ब्रेक आ गया ट्रिपल कवरेज करना है। तो ऐसे आप सोच के चलोगे तब आपकी रैंक डेफिनेटली आएगी। तो आई होप ये रोड मैप आपको क्लियर हुआ हो। ओके, और आपको और हेल्प चाहिए तो मेरा JEE 2025 कोर्स आपको अवेलेबल है एट अ वेरी गुड डिस्काउंट टिल 12th of May। आप कल तक उसका प्राइस देखते आपको 10,000 रुपीज आपको मिलता, और आपको 12 मई के बाद आप देखोगे आपको वापस से 10,000 मिलेगा, लेकिन अभी इट्स अवेलेबल फॉर जस्ट 4,999 टिल 12th of May। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें फर्स्ट लिंक जो है वो उस कोर्स का है, उस कोर्स को आप पढ़ते हो, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ आपने उस कोर्स को पूरा कंप्लीट किया A to Z, सारे लेक्चर्स देखे आपने उसमें, मैंने पर्सनली आपका पूरा सिलेबस कवर कराया और काफी एक प्रिसाइज वे में कराया। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हमने, आपको ऐसा फील होगा कि यार अपन ने बहुत ही कम टाइम में पूरा टॉपिक समझ लिया है। जैसा कि कोचिंग में बहुत घंटों घंटों के लेक्चर होते हैं, धीरे धीरे पढ़ाए जाते हैं, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, अभी आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। तो उन लेक्चर से आपका टाइम सेव होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगी। एडवांस लेवल पर कोई टॉपिक समझना है उसके भी लेक्चर इंक्लूडेड है, और आपको प्रैक्टिस के लिए भी हमने शीट्स DPPs वगैरह प्रोवाइड किए विद सॉल्यूशन टेस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो आप जीरो से जाइए एडवांस के अंदर बहुत ही अच्छी रैंक लाने के लेवल पर उस कोर्स से पहुंच जाओगे। मैं गारंटी लेता हूं आपने वो कोर्स पूरा किया, ऐसा हो ही नहीं सकता आप सेलेक्ट नहीं हो, मैं गारंटी लेने को तैयार हूं आपने वो कोर्स पूरा किया, 2-3 बार रिवाइज किया, मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से देकर गए, एग्जाम विद इन गडरिया नहीं की, आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे कॉलेज में होपफुली एक IIT में आप पहुंच जाओगे। आपके कहीं से सीनियर ने ये सेम कोर्स लिया है और आज उनकी जॉब तक लग चुकी है MNCs वगैरह के अंदर। तो इतनी जर्नी अपन कवर कर चुके हैं 12,000+ पेड स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। फ्री नोट्स वगैरह की मैं बात इंक्लूड भी नहीं कर रहा हूँ, वो तो लाखों में चला जाएगा नंबर। ओके, तो इतना ट्रस्टेड सिस्टम है, खुद मैं रैंक 1 लाया था और अच्छी रैंक आपकी भी दिलवाऊंगा, और कितने ही बच्चों को मैं मेंटर कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो इफ यू वॉन्ट दैट गुड रैंक इन जस्ट 5,000 रुपीज, इसमें कोई पर मंथ वगैरह कुछ नहीं है, एक बार पेमेंट करनी है, JEE Advanced 2025 तक कोर्स चलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको ले लीजिए, आज ही लेना, बाद में कीमत बढ़ जाएगी। और अगर आप वो कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड, फिर आप फ्री नोट्स तो हमारे ले ही लेना, ठीक है। तो नीचे वो सेकंड लिंक जो है उस पर फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो वो तो लेना भाई। चलो पेड आप नहीं लेते हो, मेरे को समझ में आता है पापा मम्मी डांटते हैं या पैसे नहीं है, जो भी है कोई बात नहीं, लेकिन नोट्स अगर आपको फ्री में मिल रहे हैं, वो भी इतने अच्छे क्वालिटी के, फुल सिलेबस के शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन में सब जगह काम आएंगे, वो तो लेनी चाहिए आपको, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, और कुछ नहीं मेरे पास है अभी कहने के लिए। अगली वीडियो में मैं आपको अच्छी एक दो और बातें बताऊंगा, टाइम टेबल रिलेटेड, बुक्स रिलेटेड मैं आपको बातें बताऊंगा। तो सब्सक्राइब नोटिफाइड बिल्कुल रहिए, नीचे मेरे सोशल मीडिया भी लिंक है, वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस हो वहाँ पे मैं कंटेंट डालता हूँ, इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। नोट्स और कोर्स का लिंक मैंने बता दिया। गुड।